सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट हैवीवेट टॉर्पीडोज को लेके है। पिछले 10 साल से हमारे सबमरीन्स के लिए नए हैवीवेट टॉर्पीडोज को खरीदने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी तक इस डील को फाइनल नहीं किया गया था। 10 साल पहले इटालियन फर्म वॉस के साथ इसके लिए डील होने वाली थी, लेकिन स्कैम की वजह से इस डील को कैंसिल करना पड़ा था। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन और कलवरी क्लास के स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए हैवीवेट टॉर्पीडोज को खरीदने को लेकर बातचीत शुरू किया गया है, और इंडियन नेवी के द्वारा जो टेंडर निकाला गया था उसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री और नेवी के बीच कुछ बातचीत होने वाली है। नेवी की तरफ से एक साल पहले नए हैवीवेट टॉर्पीडोज को खरीदने के लिए एक टेंडर को इशू किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ बातचीत ही चल रही है और ये डील अभी तक कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाई है। अगर हमारी सबमरीन फ्लीट की बात की जाए तो टॉर्पीडोज हमारी सबमरीन फ्लीट की सबसे बड़े हथियार है और इनको सबमरीन के खिलाफ और शिप्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे सबमरीन में पुराने टॉर्पीडोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उनकी कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक सीमित कर देती है। इस टेंडर के अलावा भी अभी डीआरडीओ अपनी एक हैवीवेट टॉर्पीडो को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जो कि इसकी लाइटवेट टॉर्पीडोज का एक एडवांस वेरिएंट हो सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। रशिया और इंडिया के बीच 15 अक्टूबर 2016 को एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके चलते एक फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर इंडिया के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 फ्रिगेट्स को बनाया जाने वाला था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जिन 2 फ्रिगेट को बनाया जाने वाला था, इसमें इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और इनको बनाने में रशियन शिपयार्ड की तरफ से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को मदद किया जाएगा। इन शिप्स की रडार क्रॉस सेक्शन, इन्फ्रारेड सिग्नेचर और अंडरवाटर नॉइज को रिड्यूस करने के लिए इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने वाला था, और अभी इन शिप्स में काफ़ी हद तक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, और इनकी मिसाइल सिस्टम, सुनार सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इंडियन टेक्नोलॉजी होने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ इन फ्रिगेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, और ये वेसल्स इंडियन नेवी को जून 2026 और दिसंबर 2026 में डिलीवर किया जाने वाला है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। पिछले 2 सालों से इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए करीब $1 बिलियन तक खर्च किया जा चुका है, और इसके अंदर असॉल्ट राइफल्स के लिए थर्मल इमेजर्स, रिकॉयलेस राइफल, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और मशीन गन जैसे नए इक्विपमेंट्स को खरीदा गया है। अभी बताया गया कि हमारी आर्म्ड और इन्फेंट्री यूनिट्स की एंटी टैंक कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए और इनकी नाइट अटैक कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए करीब 3,500 नाइट साइट्स को खरीदा जाने वाला है, जिनको कि हमारी 84mm की कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में लगाया जाने वाला है। ये हमारे इन्फेंट्री यूनिट की स्टैंडर्ड एंटी टैंक वेपन सिस्टम है, जो कि 500 मीटर से 800 मीटर तक मार्क कर सकती है, और इसके लिए अभी जिस नाइट साइट को खरीदा जाने वाला है इनकी रेंज 1000 मीटर तक होने वाली है। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के मुताबिक अभी लगभग सभी मॉडर्न बैटल टैंक्स रात में फाइट कर सकते हैं, जिस वजह से हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स की नाइट अटैक कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। अभी जो नाइट साइट खरीदे जाने वाले हैं, इनको कार्ल गुस्ताव रॉकेट्स के अलावा हीट राउंड, एपी राउंड, स्मोक और इल्यूमिनेशन राउंड को फायर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडिया और इसराइल की तरफ से। कुछ इंटरनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभी इंडिया के विजिट पर आने वाले हैं, और शायद वो फरवरी की सेकेंड वीक में इंडिया आ सकते हैं। पिछले 1 साल में ये उनका दूसरा इंडिया विजिट होने वाला है, और इस विजिट के दौरान स्पेशली आर्म्ड डील के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है। रिसेंटली इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बेन साबत भी इंडिया के विजिट पर आए हुए थे, जिस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ हायर ऑफिसर्स के साथ मुलाकात किया था। अभी ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी ने पर्सनली नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया था और एक सेकेंड मीटिंग को अरेंज करने का प्रस्ताव दिया था, और मोदी जी ने भी इस बात पर सहमति जताई थी। इंडिया इसराइल से काफी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदता है, और आने वाले सालों में ये करीब $6 बिलियन की मार्क को भी क्रॉस कर सकता है। और अभी इंडिया इसराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बैराकेट मिसाइल और करीब 2 फाल्कन एक्स को खरीद सकता है। दोस्तों, अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। यूनाइटेड स्टेट के स्पाई मास्टर और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के द्वारा बताया गया है कि अभी पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान अभी छोटे और बड़े आतंकवादी संगठनों को खुला सपोर्ट भी कर रहा है,
और पाकिस्तान की इसी आदत की वजह से ये आतंकवादी आराम से बैठकर इंडिया और अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले करने की साजिश बना पाते हैं और इसे यूनाइटेड स्टेट को भी खतरा हो सकता है। और इस बात को अभी CIA, FBI और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी शेयर किया गया है। दोस्तों अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। पठानकोट एयरबेस पर हमले होने के बाद हमारे एयरबेसेस की सुरक्षा का इंतजाम को काफ़ी हद तक बेहतर बना दिया गया है और अभी इंडियन नेवी की तरफ से भी अपने सारे एयरबेसेस की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन नेवी के बीच करीब 700 करोड़ की एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है और करीब 54 मेन फ्लाइंग बेसेस की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अभी कोशिश की जा रही है और इन हर एक एयरबेस में करीब 150 करोड़ तक खर्च किया जाने वाला है। नेवी अभी अपने एयरबेसेस में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसमें CCTV कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर, मोशन डिटेक्टर, एंटी पेनिट्रेशन सिस्टम, सर्वेलेंस डिवाइसेस और ड्रोन्स को भी इंक्लूड किया जाने वाला है और ये एक मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम होने वाली है। और इस तरह के सिस्टम को INS हंसा, INS सिकरा, INS रजाली, INS दीघा, INS उत्क्रोश और INS गरिदा में 2020 तक ऑपरेशनल किया जाने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।